भारत की स्वाधीनता में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 153वें जन्मदिवस पर एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में झंडारोहण किया गया तथा महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने और भी मजबूत बनाने की शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए पथ सत्य और अहिंसा और साथ ही साथ जय जवान जय किसान के नारे का स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता है और सारे देशवासी उनके दिखाए हुए इस पथ पर चलेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा जीतता है और अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है और साथ ही साथ जय जवान जय किसान जो अन्नदाता हमारे लिए किसान फसल उगाता है और राष्ट्र की रक्षा बॉर्डर पर जो जवान करता है, इन दोनों के प्रति सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, कोतवाली सीओ रामेश्वर सिंह, सीओ कैंपियरगंज सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म भाषा प्राण संबंधी देखिए आज पूरा राष्ट्र जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण कर रहा है। उनके दिखाए हुए पथ सत्य और अहिंसा और साथ ही साथ जय जवान जय किसान के नारों को स्मरण करते हुए उनको नमन करता है। मैं पूरी आशा करता हूं कि सभी देशवासी उनके दिखाए हुए इस पथ पर चलेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। देखिए उनके द्वारा जो हमें पथ दिखाया गया है सत्य और अहिंसा, जो उस समय पर जितना महत्वपूर्ण था आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज के युग में भी उसकी बहुत महत्ता है। हमें उस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, सत्य हमेशा जीतता है और अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है और साथ ही साथ जय जवान जय किसान जो कि अन्नदाता हमारे लिए किसान उगाता है और साथ ही साथ राष्ट्र की रक्षा बॉर्डर पर जो हमारा जवान करता है, इन सभी इन दोनों के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। सम्मान करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे।